ताज होटल देखिए दोस्तों, बेहद खूबसूरत नजर आता हुआ, बेहद खूबसूरत देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नया वाला ताज भी बेहद और निहायती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्या। ये सड़क जो है हल्ला मचाने के लिए बनी है। असल में ये मेटल का पूरा ब्रिज टाइप का है, तो इसके ऊपर से ये गाड़ियां ऐसी हल्ला मचाते हुए जाती हैं। हम एग्जैक्टली कहां पर है वो आपने देख लिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मराठा मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर DDLJ लग रही पिछले 25-30 साल से। फिलहाल हम मुंबई सेंट्रल थोड़े काम से आए हैं। मूवी देखने का प्लान मेरा अपनी घरवाली के साथ है। जब यहाँ आएंगे तो DDLJ उन्हीं के साथ देखी जाएगी। दोस्तों के साथ आप DDLJ देख लेंगे तो बेकार है। ये मराठा मंदिर के अराउंड ऐसा एरिया है। दिस इज मुंबई सेंट्रल और जस्ट यहाँ पर है मराठा मंदिर की एंट्रेंस। ये देखो, अंदर चल के दिखाया था मैं तुमको। टिकट कहाँ से लेते हैं यार? फिलहाल मराठा मंदिर में तुमको दिखाऊंगा किस दिन अंदर से। देखो फिलहाल हम एक कैंटीन में आए हैं। पार्ले जी ऐसा वाला आ गया है नया, ओट्स एंड बेरीज। मनीष का अपॉइंटमेंट था, मेरे को तो नींद आ गई थी, मैं सो गया था भाई। दैट्स व्हाई मैंने कहा कॉफी पी लेते हैं भाई, नहीं तो मैं फिर सो जाऊंगा। हाँ हाँ हाय हाय भाई, अब जाके थोड़ी सी नींद खुली है मेरी। वी आर गोइंग टू चर्च गेट नाउ। अब अपना प्रॉपर घूमने का प्लान है। अपन जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये पारसीज का टेंपल है। ये द रियल मुंबई, ये है द रियल मुंबई। में क्या देखते हैं? वर्सोवा घाट को पर, वर्सोवा घाट को पर टेलीग्राफ ऑफिस ये रहा। बाकी अब हम ऑल ओवर इंडिया का सेंटर है ये भाई, मेन ऑफिस। ये ऑल ओवर इंडिया का मेन ऑफिस है ये, क्या बात है मनीष। ये हाई कोर्ट है, देख लो भाई, पुराना आर्किटेक्चरल पूरा का पूरा मुंबई ने बनाया आज बस आया है। ये एरिया की वाइब ही कुछ और है, बहुत ही सुंदर है। पता होंगे यार, हां भाई है ना, पूरा मतलब किले में रह रहे हैं भाई। वो देख ना तिरंगा झंडा लगा है यार, वाइब ही किले में रहने वाली है। मनीष कह रहा है कि जो लोग अंदर रहते होंगे, जॉब करते होंगे उनको लगता होगा हम किले में रहते हैं। उच्च न्यायालय है भाई, उच्च न्यायालय है ये। क्या है उच्च न्यायालय? क्या है? हाई कोर्ट। अरे बाबा साहेब, चैंपियन स्कूल। मे वी थिंक ऑफ फ्रीडम नॉट एज द राइट टू डू एज वी प्लीज। बस रहने दो। कुछ भी हो मनीष भाजी, आर्किटेक्चर देखने लायक है सारा। हाँ यार बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई। ओपन बस हो रही, वो मुंबई दर्शन वाले हैं वो लोग। आने दो उसको, वो बस है जो मुंबई दर्शन करवाती है, दिख रहे हैं सारे ऊपर। आए 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 आए, चले ऐसे कैसे चले, उनको खुल गया हाफ में तो चल लेते हैं। आ जाओ
भाइयों, इसका मतलब वो इसके इंजन नहीं चल रहे होंगे। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। नहीं चल रहे इंजन, चले कैसे खड़े हैं? अब इंजन से ही थोड़ा तैरता है, वो तो तैरता ही रहता है। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे हैं हम लोग जा रहे हैं। भाई वो देखो आग लग रखी उसके ऊपर, कहाँ पे? हाँ। ब्रिज बन रहा है क्या? मुझे यही लग रहा है, बहुत टाइम से अब यही तो ताज है। हाँ तो यही तो ताज भाई, हम ताज होटल के बगल में चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं था ये रहा ताज। ये ताज होटल है, बगल में सी है, यहीं पर हमें गेट पर कि हमने ये प्रॉपर्टी तो गिनवाई नहीं। हाँ हाँ, अभी बगल में सी है बिल्कुल सामने भाई, बहुत खूबसूरत है। क्यों बोल रहा है? ओशन। हाँ ऐसा बोलना। रुक जाओ यार, गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पर है दोस्तों, अभी दिखाऊंगा मैं तुमको, दो मिनट पहले आगे चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। ये रहा होटल ताज, और वो सामने देख रहे हो तुम कितने सारे शिप्स खड़े हुए हैं। भैंस की नाक भाई, बीच में इन्होंने ये कब बना दिया क्या ये? भाई यहाँ बैठना नहीं है, पलट जाऊंगा। नहीं नहीं बैठना नहीं, तुम वो देखो यार, भाई साहब, ओ भाई भाजी, वो बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, वो तो कैमरा में भी नहीं आ रहे, भयंकर। ये वाली जेटी है बेचारी, डोल रही है जो। ये जेटी को कितने गहराई में नीचे ले जाके इन्होंने वो किया होगा, हुक एंकर मारा होगा। अच्छा ऐसा छोड़ दिया होगा इन्होंने। हाँ हाँ, जाके बैठ गया होगा। हाँ गहरा होगा ये, अब जे नहीं पता। भाई ये रहा अपना ताज होटल। अभी ये तूफान आया था ना, पानी यहाँ यहाँ तक आ रहा था इसका। बट यार ताज होटल कितना प्यारा है, देख रहे हो तुम, यहाँ रूम लेके रह लें आज। दो पोल दिख रहे हैं। हाँ। वो तेल निकालते हैं, पता है तुझे? हाँ। बिल्डिंग्स बनी हुई है, अलीबाग उधर ही है ना, इन पहाड़ों के बीच में है ना, ये क्रॉस करते वो पहाड़ों में जाएगा तो अलीबाग, अजंता लोरा की गुफाएं भी उधर ही। जो भी है, पर बहुत प्यारा दृश्य है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल है। और ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल आमने सामने हुआ करते हैं, जैसे ये है ताज होटल, उसके ऑपोजिट में गेटवे ऑफ इंडिया, वो दिखाते हैं। आ जाओ, एकदम ताज होटल के बगल से वॉक करते हुए जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। ओह, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत जनता है दोस्तों यहाँ पर, आ जाओ आगे चलते हैं। ताज के जस्ट बगल में है न्यू ताज, ये रहा। क्या लग रहा है वो? यहीं पे हमारी आर्मी वाले उतर के इधर से थे। ऐसा है क्या? हाँ, पहले हम अंदर जा सकते थे, अब बंद कर दिया उन्होंने यहाँ कबूतर को खिलाने के लिए। तो गाइस आइए आपको गेटवे ऑफ इंडिया के दर्शन कराते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कैसा नजर आता है सामने से, बहरहाल बीच में से कैसा नजर आता है पहले वो दिखा देते हैं। बहुत ही बढ़िया नजर आता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो इसके बीच से निकालता हूँ मैं तुमको अभी, देखो। हाँ देखते रहना देखते रहना। NCMXI देख रहा भाई, इन्होंने मिटाया तक नहीं है। हाँ हाँ, याद में अंग्रेजों की याद में ना। हाँ, लिखा हुआ है पूरा किसके लिए बना था ये। आ जाओ, लोग यहाँ फोटो वोटो खिंचा रहे हैं लगातार बेचारे, जब से फोन आ गए तो ये कैमरा वालों का बिजनेस ठप हो गया। कैमरा वाले भी घूम रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे। गेट ऑफ इंडिया का यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है भाई, पॉज करके देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। बहरहाल मैं तुम्हें आर्किटेक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा, आ जाओ। कहते हैं अंग्रेज़ों का सारा सामान वामान यहीं से आया मतलब आयात निर्यात सब यहीं से होता था, लाया ले जाया सर गेटवे ऑफ इंडिया से ही होता था सारा। कैसे अंग्रेज उस टाइम पे घूमते होंगे यहाँ, कार्ट लेके हिंदुस्तानी लोग खींच रहे थे कार्ट, याद है गुलामी, याद है? तो अंदर से ऐसा है, ऊपर से ऐसा है, पर यहीं अपने पुरखे ऐसे बुल्लक कार्ट में बुल की जगह खुद खड़े थे, खींच के ले जाते थे। इतना सामने सामने नज़र आता है गेटवे ऑफ इंडिया और ताज, मतलब वो सामान यहाँ से लाते थे और बोलते थे आराम कहाँ करें, तो ताज में बैठ जाते थे वो। बहरहाल लोगों का मजमा लगा हुआ है, ऑफ डे वीक डे कोई भी डे हो यहाँ भीड़ रहती है हमेशा। आज थोड़ी कम है क्योंकि संडे वनडे नहीं है आज, आज वेंसडे है। ताज होटल देखिए दोस्तों, बेहद खूबसूरत नज़र आता हुआ, निहायती बेहद निहायती ये नया वाला ताज भी बेहद और निहायती निहायती और बेहद। That's it guys. अब फिलहाल हम इन लोगों के बीच यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे मस्ती मारेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आए थे तो घूमते रहेंगे सब लोग। दिल्ली को जैसा है कि हम लोग अपनी अमीरी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग इसके वीडियो खत्म होने के बाद जो है ताज में जाके कॉफी पियेंगे, वो हम दिखाना नहीं चाहते, हम कोई शो ऑफ नहीं करना चाहते। That's why.
तो इस ब्लॉग को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो इस होटल में जाके दो कॉफी पिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आते हैं।